वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर सिविक्स क्लास, क्लास 7, चैप्टर 3, पार्ट 3। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। वी यूजली हियर अबाउट डैम और सी डैम इन द न्यूज़ चैनल और इन अ पेपर। However, whatever decisions are be taken have to be approved by the members of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask question, debate an important issue, decide whether money should be spent, etc. They have the main authority. मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्माण निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, ये समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री के प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। MLA 1, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ अखंडा गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक देयर वेयर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। आई थिंक इट इज द सेम डैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोग्रामिंग इटसेल्फ टू बी अ कैंपेन ऑफ टेक्नोलॉजी। आई वुड कॉल द अटेंशन टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। MLA 2, My question is why our government hospital is such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with this situation. What is affecting a large number of people and is also spreading? This is an epidemic. MLA 3, My constitution of Tulpati 2 has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken step to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. MLA 5, we have very poor facility in our hospital. There are hospital that do not have a doctor and no medical staff had been appointed for the last few years. In other hospital, the doctor has gone on a long leave. This is the same. I think the situation is long going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packet in reach our family in the affected areas? MLA 6, the opposition member are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitization. We have now taken up a drive to clear the garbage that have been laying around for years. विधायक 1, अखंड गांव के मेरी निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन हफ्तों में हैज के कारण 12-15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी की सबसे घोषित कर रही है जी जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। विधायक 2, मेरे प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पताल की दशा कितनी ख़राब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है।
अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक तीन, मैंने निर्वाचन क्षेत्र तोल पत्ती में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकों का काम में लगाया गया है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक चा, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक पहुँचा, हमारे अस्पतालों में सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं या शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवार तक ORS के पैकेट पहुँच रही है। विधायक छह, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह के सरकार पर दोषारोपण कर रहे। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। हम कई वर्षों के से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो। We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।